मॉर्निंग क्लास 10th, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हर्ष शुक्ला आज आप लोगों की क्लास 10th की लेंस का फिर से एक नया लेक्चर लेके आ गया हूं, जिसमें हमको बात ये करना है कि किरण आरेखों की उपयोग द्वारा लेंस पे प्रतिबिंब हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे करना ये है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी कोई लेंस हम लेंगे, आपको ये पता है दो तरह के लेंस की बात हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा था, उत्तल लेंस, जो बीच से मोटा और किनारे से पतला हो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। और जो बीच से पतला हो किनारों से मोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। दो तरह के लेंस हैं, हम लोग को इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, मतलब जो भी चीजें होंगी हमें इन दोनों के ही बारे में समझना है। ठीक है, अब लेकिन यहां पे हमने ये जानकारी देनी है, जैसे ये बीचों बीच जो बिंदु है उसे हम क्या बोलेंगे, तो अब ये पढ़ चुके हम लोग, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर था, इसको हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। इसी तरह जिस तरह प्रकाशिक केंद्र यहां है, इसका भी ये प्रकाशिक केंद्र होगा, प्रकाशिक केंद्र ये भी हो गया। ये जो बीचों बीच रेखा है इसे हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। इसकी भी बीचों बीच वाली रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। द्वारक बनाने का कोई महत्व नहीं होता है, द्वारक बस अगर पूछा जाए तभी बताने की जरूरत है, नहीं तो द्वारा का कोई विशेष रोल यहाँ पे नहीं होता है, विशेष रोल शुरू होता है यहां से। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री पे एक आभासी रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। लेकिन ज्यादातर चीजें वही है जो हमारे दर्पण में थी, कुछ ज्यादा बदली नहीं है। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष। अब देखिए यहां पे इसकी जो पृष्ठ है, वहां पे दर्पण में एक पृष्ठ होता था, दर्पण में हमारे पास एक पृष्ठ होता था, तो हमारे पास एक फोकस और एक वक्रता केंद्र होता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास दो पृष्ठ है, मतलब अगर इसको हम छुपा ले तो इस पृष्ठ का फोकस इधर कहीं होगा, और इसको छुपा ले तो इसको छुपा ले तो इस पृष्ठ का इधर कहीं होगा। तो दो पृष्ठ है तो फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे। ऐसा क्यों, समझ लीजिए, देखिए जब भी एक पृष्ठ होता था तो पृष्ठ जो होता था गोली दर्पण या गोली लेंस की बात कर रहे हैं, वो किसी गोले का हिस्सा होता था, गोले का हिस्सा होगा तो उसका केंद्र होगा, जिसको हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते थे, और केंद्र होगा तो केंद्र की आधी दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो एक पृष्ठ होता था तो एक वक्रता केंद्र और एक फोकस होता था, यहां पर दो पृष्ठ है तो कितने फोकस, दो फोकस और दो वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए इसका आपको ध्यान होगा, हमने यहाँ पे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के नाम से बताया था, हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है, अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाए हो तो देख लीजिएगा। प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस में पहले प्रथम फोकस होता है और बाद में द्वितीय फोकस आता है, जबकि अवतल में उल्टा हो जाता है, पहले द्वितीय फोकस होता है बाद में प्रथम फोकस आता है। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद जो वक्रता के त्रिज्या होती है उसको हम कैसे लिखते थे, देखिए यहां पे C1 C2 लिखने की जगह हम क्या करते थे, 2F1 2F2 2F1, मतलब आप ये चीज तो आप जानते हो ना, हम लोग दर्पण में पढ़ रहे हैं कि हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का कितना होता है, आधा होता है, मतलब जो भी हमारी वक्रता त्रिज्या है उसको आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। तो फोकस को हम इस तरह तो लिख सकते हैं 2F, वक्रता त्रिज्या की जगह हम लिख सकते हैं, हमने वही किया, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होना था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2F कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, एकदम नॉर्मल सी चीज थी। अब देखिए यहाँ पे हमको बात क्या करना है, ये तो हल्का सा रिवीजन हो गया, अभी तक हमने जो भी किया वो हमारा क्या था, वो रिवीजन था। अब हमको बात यहाँ पे ये करना है कि किस जगह पे किरण आएगी तो वो कहां से जाएगी, हमको मेनली यही बात करनी है। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, लेंस पर किरण आरेख के तीन नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, लेंस पर किरण आरेख के तीन नियम होते हैं, और इन्हीं तीन नियम की सहायता से हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे।
इनमें से किन्हीं दो नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब किरण आरेख के मुख्यतः मेनली हमको तीन नियम पढ़ने हैं, और इनमें से कोई भी दो नियम का प्रयोग करेंगे हम, तब जाके हमें क्या होगा, तब जाके हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो चीज हमको मेनली यहां पे करना है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले प्रथम नियम की बात कर लेते हैं। हम आते हैं सबसे पहले प्रथम नियम पे। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो अपवर्तन के बाद वह द्वितीय फोकस से जाती हुई जाती है, ब्रैकेट में किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए ये बात है, तथा जाती हुई प्रतीत होती है किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। मतलब क्या है कि जब भी कोई, हमने क्या लिखा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए यहां पे क्या क्या पढ़ना उसको अंडरलाइन करते रहे, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो अपवर्तन के बाद वो कहां से जाती है, द्वितीय फोकस से। देखिए हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं उन चीजों को, जो जो मेन चीज है उनको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। मुख्य अक्ष से आएगी और कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस के लिए। मतलब द्वितीय फोकस से क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है किसके लिए, कब, उत्तल लेंस के लिए। तथा अवतल पे क्या होता है, अवतल पे वही चीज क्या होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, क्या है इसको बना के हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाए, उत्तल लेंस बनाए। देखिए राइट फिगर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हम काफी बड़ा बना रहे हैं पर तब भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमने बना दिया अपना उत्तल लेंस। इसका प्रथम फोकस इधर होता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज हमेशा आपको याद रखिएगा, इसको समझ लीजिएगी। हमने आप इसके जस्ट पहले जो लेक्चर हुआ तो उसमें प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में मैंने प्रॉपरली बताया है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसने हमसे बोला क्या, प्रकाश किरण कैसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये तो नियम है ना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये नियम है। इसमें हमको बता दिया गया कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यहां पे आई तो अपवर्तन हुआ, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपवर्तन हुआ,
तो कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यही चीज हमने ऊपर लिखा था, वही चीज हमने करके दिखा दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगा। अब हम दूसरा बनाएंगे, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, यहां पे प्रकाशित किए, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए अवतल लेंस एक उल्टा होता है, द्वितीय फोकस पहले होता है और प्रथम फोकस बाद में होता है। ठीक है, आप एक चीज तो जानते हैं, हमेशा प्रकाश किरण हमारे किस साइड से आएगी? बाएं साइड से, हमेशा बाएं साइड से आएगी। आप लोग जैसे आप लोग ऐसे खड़े हैं तो ये आपका कौन सा हाथ है, बायां हाथ है कि दायां हाथ है? तो ये हमेशा होगा क्या, दाएं साइड से हमारे बाएं साइड प्रकाश किरण जाएगी। ये दायां है, दाहिना बायां, दाहिना बायां, सही है, दाहिना बायां, दायां बायां। तो ये कौन सा है, ये बायां साइड और ये दायां साइड है। तो बाएं से दायां, हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको कहीं चाहे तो जो स्टार बना के फिर प्रकाश किरण सदैव बाएं से दाएं जाती है। मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहां पर हमारे पास एक नियम है कि हमेशा प्रकाश किरण किधर से जाएगी, बाएं से दाएं जाएगी। अब चलिए इसमें भी करते हैं, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भी, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे अवतल और उत्तल में अंतर होता है। उत्तल में क्या हुआ, द्वितीय फोकस से जा रही है, लेकिन अवतल में क्या होगा, अवतल में ये होगा कि वो द्वितीय फोकस तो इधर है भैया, तो जाने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, बट नियम के अनुसार क्या होगा, ये द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, इसमें जाएगी और इसमें क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी। एरो इसलिए बताते हैं कि हमको ये जो एरो है ये बता देता है डायरेक्शन या किस दिशा में हमारी प्रकाश किरण जा रही है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट, इरेज करें इसको। दूसरे नियम पे चलिए, एक दूसरा नियम जो होता है इसका विपरीत होता है। यहां पे क्या था, यहां पे इसको इसको नोट कर लिए, प्रकाश किरण सदैव बाएं से दाएं जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा लेंस से। ये चीज ध्यान रखिएगा, दर्पण और लेंस दो के दोनों में ये चीज एकदम कॉमन सी चीज है कि प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाएं जाएगी, कभी भी दाएं से बाएं नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर काफी नियम चेंज हो जाएंगे, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने आते हैं तृतीय नियम पे। ठीक है, अब हम अपने द्वितीय नियम की बात करेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम अभी मैंने आपको बताया कि इसका उल्टा होता है, लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा हाँ हो जाती है किसके लिए, ये किसके लिए हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस के लिए, मतलब ये बात जो हुई किसके लिए हुई, उत्तल लेंस के लिए तथा मुख्य फोकस पर मुख्य फोकस पर अब देखिए मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए अभी जो हुआ तो पहले उत्तल लेंस की बात हुई, यहां पे क्या हुआ किसकी बात हो गई, अवतल लेंस की, ठीक है, कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है तथा इसको पूरा ही सही कर, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण ब्रैकेट में ही भी कर देते हैं उत्तल लेंस तथा मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, अगर मैं उस तरह भी गलत नहीं थे बट उस तरह लिखते तो थोड़ा ये ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहां पे बात क्या हो रही है, पहले जल्दी से हम दोनों लेंस बना लेते हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस की उत्तल लेंस, कंफ्यूज मत होइएगा, 20 से मोटा उत्तल लेंस, 20 से पतला अवतल लेंस, इस चीज को भूलना नहीं है हम लोग को, कुछ भी हो जाए ये चीज एकदम नॉर्मल सी चीज है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, उत्तल अवतल क्या कह रहा है, लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। अब देखिए प्रथम फोकस को ही हम क्या बोलते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रथम फोकस हमारा होता है मुख्य फोकस, क्यों, क्योंकि वहां पर या तो प्रकाश किरणें, जितनी भी प्रकाश किरणें या तो एकत्रित होती हैं या वहां से सभी निकलती हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए, प्रथम द्वितीय में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि एक प्रकाश किरण है वो मुख्य फोकस से आई, अब मुख्य फोकस से आई तो यहां पे देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई,
तो परावर्तन होगा कि अपवर्तन, जाहिर सी बात है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपवर्तन होगा, और जैसे अपवर्तन हुआ तो यहां पर नियम हमसे यह कह रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के हमारे समांतर हो जाएगी। देखिए थोड़ा तीखा हो गया है ये, ठीक अब सही है कि एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आई उत्तल लेंस पे और अपवर्तन के बाद वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब देखिए यहां पे दिक्कत है, यहां पे क्या दिक्कत है, हमारे अवतल में इनका मुख्य फोकस तो इधर है, बोलिए इनका मुख्य फोकस तो इधर है, और आप भी जानते हैं कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे में जाएगी तो वहां पे अपवर्तन वो मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, ये सीधा तो जा नहीं सकती, मतलब ये मुख्य फोकस पे क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी, और जैसे इसका अपवर्तन होगा तो ये भी प्रकाश किरण क्या होगी, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बोलिए आई बात समझ में, आसान सी चीज है कि उत्तल लेंस के लिए क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी अपवर्तन के बाद वह समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अवतल के लिए क्या है, अवतल के लिए ये है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर बात, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब हम अपने तृतीय नियम पे चलेंगे, अब हम अपने बात करेंगे यहां के दूसरे नियम की, तृतीय नियम, सबसे आसान नियम, सबसे सिंपल नियम, ठीक है। क्या है नियम लिखे, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आएगी तो वह अपवर्तन के बाद तो वह अपवर्तन के बाद अपने अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। क्लियर बात, यहां पर हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आएगी तो वह अपवर्तन के बाद अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। इसमें क्या है देखते हैं फिर से, हमारे दो लेंस हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम किसको उठा लेते हैं, उत्तल को उठा लेते हैं, बाद में किसको उतारते हैं, अवतल को उठाते हैं। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा मुख्य। ये जो तीसरा नियम है इसका कहने का बस सेंस ये है कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र यही बिंदु है, इसमें केवल यही बिंदु है, कोई भी प्रकाश किरण अगर इस पे आएगी तो उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। देखिए आपने देखा ना कि जब भी कोई भी चीज कहीं से भी जा रही है लेंस के इधर से उधर, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो अपने मार्ग पर बदल रहा है। लेकिन प्रकाशिक केंद्र ऐसे बिंदु होंगे जब भी यहां पर कोई प्रकाश किरण आएगी तो प्रकाश किरण जो है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ये हमारा कौन सा नियम है, यही हमारा तीसरा और आखिरी नियम है।
क्लियर है बात, आसान सा है, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए और इसी के संग हमारे तीन के तीनों नियम कंप्लीट हो गए। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर डालते हैं, रिवीजन क्या करेंगे, पहला नियम में क्या था बताइए, चलिए एक दो तीन, ये बीच में एक रेखा है, कहां से आएगी, कहां से जाएगी, कहां से आएगी, कहां से जाएगी, कहां से आएगी, कहां से जाएगी। तो पहले नियम में क्या था भैया, पहले नियम में था कि मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहां से आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, और कहां से गई, द्वितीय फोकस, या तो द्वितीय फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतिबिंब, देखिए दोनों चीज हो सकता है, या तो द्वितीय फोकस से जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी, दो की दोनों चीज हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करिए, ठीक है। दूसरा नियम, प्रथम फोकस, या इसको हम एक और चिन्ह दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मुख्य फोकस, दोनों नाम दे सकते हैं, प्रथम फोकस या मुख्य फोकस। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस या मुख्य फोकस से आएगी तो अपवर्तन के बाद कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। क्लियर है बात, तो ये हमारा पहला नियम, ये हमारा दूसरा नियम, और तीसरा नियम एकदम सही आसान सा है, कहां पे आएगी, प्रकाशिक केंद्र पे आएगी, बिना विचलित हुए सीधा, मतलब ये हमने आपको छोटा सा टेबल बना दिया है, इसको देखिए टेबल के रूप में बदल देते हैं पूरा, ठीक है, थोड़ा गंदा टेबल है लेकिन टेबल है, टैलेंट है, इसको टैलेंट पूछते हैं कि कहीं भी कुछ भी बना डालिए, हम लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, कहीं भी कुछ भी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष समांतर आएगी तो डी फोकस से जाएगी, प्रथम फोकस पे आएगी तो मुख्य अक्ष समांतर होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र पे आएगी तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधा चली जाएगी। क्लियर है बात, तो बच्चों आज हम लोग अपना यहीं पे लेक्चर खत्म करेंगे, 30 मिनट हो गए सर, थक गए हैं वैसे ही, भूख लग गई है, पानी पीना है, अरे मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार है, थक गए होंगे, तो बस यहीं पे हम आप लोग को रेस्ट देंगे, और फिर कल इसी के आगे हम लोग जो बात करेंगे, किसी भी लेंस पे अवतल या उत्तल पे कितनी स्थितियां होती है, इस पर की बात हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।